मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश क्लास। चिल्ड्रेन टुडे आई टीच यू चैप्टर 17, ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। बच्चों, इसके पहले मैं वीडियो में मैंने बताया था कि एक किंग रहता है और उसका कोई भी बेटा नहीं रहता है, तो वो अपने राज्य से कुछ बच्चों को बुलाता है, उनको एक एक बीज देता है और कहता है कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वो मेरे मरने के बाद राज्य का उत्तराधिकारी होगा। टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। व्हेन स्प्रिंग केम, ऑल द चिल्ड्रेन कैरेड देयर पॉट्स हैविंग ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट्स इन देम। और जब दूसरा साल आया, सभी स्प्रिंग का मौसम आया बसंत का, तो सभी बच्चे अपने अपने पॉट्स को लेकर राजा के महल में गए और सबके पॉट में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। ओनली चिंग हैड एन एम्प्टी पॉट, केवल चिंग का जो पॉट था वो खाली था, उसमें कोई भी फूल नहीं खिला था। द किंग सॉ ईच ऑफ पॉट्स वर वेरी केयरफुली, राजा ने सभी पॉट्स को बहुत ध्यान से देखा। व्हेन इट वॉज चिंग्स टर्न, जब चिंग का टर्न आया, चिंग की बारी आई, ही लुक्ड एट हिज एम्प्टी पॉट एंड सेड, तब उन्होंने उसके खाली बर्तन को पॉट को देखा और कहा, डियर सन व्हाई इज योर पॉट एम्प्टी, क्यों तुम्हारा पॉट खाली है, इसमें कोई भी पौधा फूल क्यों नहीं है। चिंग कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स एंड सेड, तब चिंग ने अपने आंसुओं को नहीं रोक सका और बोला, ओह किंग आई प्लांटेड द सीड यू गेव मी ट्वाइस इन डिफरेंट पॉट्स, और मैंने बीज को पॉट में दो बार लगाया। आई वाटर द पॉट रेगुलरली, मैंने पानी भी बहुत रेगुलर दिया, रोज उसको पानी भी दिया। आई टुक ग्रेट केयर बट योर सीड डिड नॉट स्प्राउट, मैंने उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की लेकिन उसमें से कोई भी पौधा नहीं निकला। आई एम श्योर देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद द सीड, और मुझे लगता है कि जरूर बीज में ही कोई ना कोई खराबी होगी। द किंग एम्बेरेस्ड चिंग स्माइल एंड सेड, तब राजा उसको गले लगा लेते हैं और इस मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आई हैव फाउंड माई सक्सेसर, मैंने अपना उत्तराधिकारी पा लिया। चिंग विल बी योर नेक्स्ट किंग, और चिंग ही मेरे बाद अगला राजा होगा। ही टर्न टू द अदर चिल्ड्रन, वह दूसरे लड़कों की तरफ मुड़े और बोले, द सीड आई गेव यू वर बॉयल, मैंने तुम लोगों को जो बीज दिया था वो बॉयल किया हुआ था, यानी कि उबला हुआ था। द दे कुड नेवर बी ग्रोन इन टू ए प्लांट, वो कभी भी प्लांट उसमें से नहीं बन सकता है, कोई भी पौधा उस बीज से नहीं निकल सकता था। ऑल ऑफ यू आर डिसऑनेस्ट एंड हैव चीटेड, और तुम सभी बेईमान हो और मुझे तुम सबने धोखा दिया है। इट इज ओनली यंग चिंग हु इज ट्रूथफुल एंड रिचुअस, और इनमें से सिर्फ चिंग जो है वो सच्चा है और ईमानदार है। ही विल बी धन, इसलिए यह मेरे बाद मरने पर अगला राजा होगा। नॉट ओनली दिस किंग वैंग वाई वॉज सो हैप्पी विद द चिंग, और यही नहीं, राजा जो किंग वैंग वाई थे वो बहुत चिंग से बहुत खुश हुए थे। ही गेव हिम मेनी चीज़, वो उसको बहुत सा धन दिए इनाम के रूप में उसकी ईमानदारी के लिए। ही ऑल्सो मेड हिम एंड हिज फैमिली लिव इन द रॉयल पैलेस, वो उसको बाद राजा बना दिए और चिंग की फैमिली बाद में आकर के महल में रहने लगी। एंड नाउ चिल्ड्रेन, हम देखते हैं कि चिंग की ईमानदारी उसके काम आती है, वो सच बोलता है और बाद में राजा बन जाता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।